Hello everyone, welcome again. We will continue our lesson. Lesson name is Food We Eat. This is part 2. So open the page number 40. हमारा पेज नंबर 39 पेज नंबर हमारा 39 तक हो गया था. एक पेज नंबर हमारा 40 है. ओके, तो यहाँ पर पीपल्स फैमिली में क्या बातें हो रही है अभी वहाँ यहाँ देखेंगे. ओके, आपने पेज नंबर 39 का होमवर्क किया होगा. ओके, तो अभी आगे देखते हैं. इन पीपल्स फैमिली देर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट What people eat. Do you think these people do not eat or cannot eat what people eats? People के family में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते हैं. जो वो खाता है, सोचो उसके परिवार के लोग वे चीज़ खाते ही नहीं या खा नहीं सकते. ओके, यहाँ पर है लेट्स अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली. तो आप विपुल के परिवार के बारे में पढ़ते हैं. वाइल रिटर्निंग होम फॉर स्कूल विपुल ए बुट्टा. फिर नेक्स्ट लाइन में ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर वेयर इज चुटकी. आई वेंट टू सी हर. यहाँ पर है स्कूल से घर जाते समय विपुल ने एक भुट्टा खरीदा. भुट्टा खाते खाते विपुल घर में घुसा और माँ से पूछा, माँ चुटकी कहाँ है? पहले तो मैं उसे ही देखूँगा. अब यहाँ पे है He reached home and asked his mother, "Where is Chutki? I want to see her." His mother replied, "Chutki is in the room." फिर माँ ने हंसते हुए कहा, "चुटकी ऊपर कमरे में है." विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, "दीदी तुम भी चलो ना." फिर यहाँ पे माँ रिप्लाई करती है, विपुल कैनॉट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एज सेड यू ऑल्सो कम विथ मी. हिज मदर स्टॉप एट हिम, आई हैव सॉक चपाती इन दाल. लेट्स हर फर्स्ट हैव हर मेल. हैव यू पुट सुगर इन द दाल आफ्टर कमिंग टू नागपुर. यू हैव फॉरगेटन आवर On way on of making food, said daddy to Bipul's mother. यहाँ पर बातें हो रही है विपुल और माँ के बीच में. तो माँ ने कहा, रुको मैंने बाकी रोटी दाल में डालकर रखी है, पहले वो खा ले. तो बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डली ही नहीं. यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो. दादी ने माँ से ऐसा कहा कि आप लोग नागपुर से यहाँ पर आए हो तो खाने की चीज़ को क्या भूलते जा रहे हो. माँ ने आंसर दिया, बा मैंने चेक कर देखी है, बढ़िया बनी है. हैव यू पुट शुगर इन द दाल आफ्टर कमिंग टू नागपुर. यू हैव फॉरगेटन आवर ऑन वे द ऑफ मेकिंग फूड, सेड दादी टू विपुल्स मदर. I have tasted the dal. It has been prepared. Will replied Vipul's mother. माँ ने जवाब दिया, बा मैंने चेक कर देखी है, बढ़िया बनी है. ओके, विपुल पिक अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड देन हीज आस्क हिम टू हर टू फॉलो हिम क्विकली. फिर यहाँ पे विपुल ने क्या किया, मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ, कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गया.
दादी जल्दी चलो ना, विपुल ने पुकारा। फिर दीदी ने कहा, वेन आई वाज योर एज आई कुड रन अप ए हिल इन द सेम टाइम सेड दादी। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं इतनी देर में सीढ़ियाँ तो क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी, और अभी उनसे क्या हो रहा है, वो चढ़ नहीं पा रही है, इसलिए वो ऐसी बातें कह रही हैं। अब यहाँ पे विपुल गिव द भुट्टा ही वाज ईटिंग टू हिज मामी वाशेड हिज द हैंड एंड लिफ्ट लिटिल चुटकी। फिर यहाँ पे विपुल ने अंदर जाकर अपना भुट्टा मामी को थमाया और हाथ धोकर चुटकी को उठा लिया। फिर उसके नेक्स्ट सडनली चुटकी स्टार्टिंग क्राइंग सी इज ए हंग्री सेड मामी सी इट डाउन टू फिट चुटकी। अचानक चुटकी ने रोना शुरू कर दिया। यस अब ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी है, कहते हुए मामी चुटकी को दूध पिलाने बैठ गई। उसे भूख लगी थी ना, इसलिए वो रोने लगी। अब यहाँ पर देखिए लास्ट टू लाइन एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन क्या है, वाई वाज दादी नॉट अवेलेबल टू क्लाइंब द स्ट्री क्विकली। दादी सीढ़ियाँ जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई। विपुल की जो दादी थी वो सीढ़ी जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई। आप सबको ये पता है क्यों सीढ़ी जल्दी नहीं चढ़ पाई, क्योंकि दादी की उम्र थोड़ी हो गई है, तो वो तेजी से दौड़ के विपुल के जैसा वो नहीं चढ़ सकती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज दादी लाइक टू हर दाल। दादी को दाल किस तरह से खाना पसंद था। दादी को जो दाल था उनको किस तरह का खाना पसंद था। ओके, अब नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 41 में भी आपके लिए क्वेश्चन आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पर्सन इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजली एंड व्हाई। कहानी में जितने लोग आए उनमें से कितने लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा व्हाई। क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा पाते। यहाँ पे जिसकी ज़्यादा उम्र हो जाती है वो भुट्टा क्यों नहीं खा पाते, क्या रीज़न हो सकता है। आप सबको पता है क्योंकि उनकी दाँतें कमज़ोर हो जाती है, जिस वजह से उनको थोड़ा चबाने में दांत से निकालने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो स्लो स्लो धीरे धीरे खा पाते हैं, कोई कोई नहीं खा पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर मंथ छुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क दैट इज हर ओनली फूड व्हाई। चार महीने तक छुटकी केवल अपनी माँ का ही दूध पिएगी, वही उसका खाना है। सोचो क्यों वो छुटकी क्यों चार महीने तक केवल अपनी माँ का ही दूध पी पाएगी, वही उसका खाना है। क्योंकि वो बहुत छोटी है ना उसके दांत हैं, ना वो कुछ अच्छे से चबा सकती है, इसलिए वो क्या करेगी, जब जो भी छोटे स्मॉल बच्चे होते हैं कम से कम 6 मंथ तक वो दूध ही पीते हैं, दूध और वाटर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क यू एल्डर एंड फिल इन द टेबल। अब यहाँ पे क्या है, आपके आसपास के बड़ों से आपको पूछ कर नीचे जो टेबल बॉक्स दिया हुआ है वो आपको फिलअप करनी है। आप देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ चाइल्ड यंगर और ओल्ड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखिए व्हाट कैन दे ईट, क्या क्या खा पाते हैं। ओके, और यहाँ पर है क्या क्या नहीं खा पाते हैं, व्हाट दे कैन नॉट ईट। तो आपको फर्स्ट वाले में क्या लिखना है, यहाँ पर व्हाट कैन दे ईट और यहाँ पर What they cannot eat. Okay? तो जो child है वो क्या खा पाता है क्या नहीं खा पाता है वो लिखना है, उससे बड़े क्या खाते हैं क्या नहीं खा पाते वो लिखना है, और जो
ओल्ड हो जाते हैं वो क्या खाते हैं नहीं खाते हैं वो लिखना है यहाँ पर। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे चाइल्ड, चाइल्ड मतलब आपको पता है बच्चा, बच्चा क्या खा सकता है यहाँ पे, मिल्क, मिल्क वो पी सकता है, फिर खीर, खीर भी वो खा सकता है, चावल में जो दूध को हम डालकर बनाते हैं गलाकर वो खीर होती है वो खीर भी खा सकता है, फिर क्या नेक्स्ट खिचड़ी, खिचड़ी और दाल को जो मिक्स करके बनाते हैं वो खिचड़ी, और वो दाल, दाल भी पी सकता है क्योंकि वो सारी लिक्विड चीज़ है, लिक्विड चीज़ छोटे बच्चे तुरंत से वो उसको पी लेते हैं। ओके, अब वो क्या नहीं खा पाता है यहाँ पे ना, दे डू नॉट दे सॉरी व्हाट दे कैन नॉट ईट, यहाँ पे क्या है स्मॉल बच्चे क्या नहीं खा सकते वो यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल हो गया भुट्टा, भुट्टा वो नहीं खा सकते क्योंकि उनकी टीथ अभी नहीं होती है, ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो भी क्या होती है हार्ड होती है, फिर हार्ड फ्रूट्स जो भी फूड हार्ड होता है जिसे काट काट कर हम चबाते हैं वो नहीं खा सकते हैं, एंड चपाती, चपाती भी नहीं खा सकते छोटे स्मॉल बच्चे क्योंकि उनकी दांत नहीं है तो वो कैसे चबाएंगे इसलिए वो नहीं खा सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे है यंगर मतलब बड़े लोग, बड़े लोग क्या कर सकते हैं सब कुछ खा सकते हैं, एवरी थिंग्स, क्या होगा फर्स्ट बॉक्स में एवरी थिंग, और यहाँ पर व्हाट दे कैन नॉट ईट, यहाँ पे होगा देयर इज नथिंग दे कैन नॉट ईट। ओके, अब यहाँ नीचे नेक्स्ट देखते हैं ओल्ड, अब ओल्ड लोग क्या खा सकते हैं वो पहले देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल चपाती खा सकते हैं, दाल भी खा सकते हैं, खिचड़ी भी खा सकते हैं, पैटेटो की सूखी सब्जी खा सकते हैं। ओके, वो भी सब कुछ नहीं खा सकते हैं बट चपाती खा सकते हैं, दाल भी खा सकते हैं, खिचड़ी भी खा सकते हैं, पैटेटो की सब्जी खा सकते हैं, मिल्क पी सकते हैं। अब क्या नहीं खा सकते हैं यहाँ पे है हार्ड फूड, जो भी हार्ड फूड होती है नट्स होती है, भुट्टा होती है या फिर चपाती, जो हार्ड चपाती बनती है वो ओल्ड लोग नहीं खा सकते हैं। क्या रीज़न है, क्योंकि उनकी दांत कमज़ोर होने लगती है तो उनको चबाने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको समझ में आया होगा, तो ये जो बॉक्स है आपकी बुक्स में भी लिख लेना और आप अपने नोटबुक में भी आप पूछ कर कौन क्या खा सकता नहीं खा सकता आपको इस तरह से लिखनी है। ओके, या फिर जो मैंने कहा आपने उसको सुना होगा तो आप उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, सो दिस वॉज अबाउट थिंग्स डैट वी कैन और कैन नॉट ईट, डू वी ईट ऑल द थिंग्स डैट वी कैन ईट, नॉट ऑलवेज लेट्स अस टॉक अबाउट दोस थिंग्स व्हाट वी डू ईट। यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे ऑन द थिंग्स डैट यू ईट, तो यहाँ पे देखिए राइस है, बीट है, ओट्स है, तो यहाँ पे देखते हैं अभी, या तो कुछ चीज़ों को खा सकते हैं या तो नहीं खा सकते हैं की बात है, क्या हम वे सभी चीज़ें खाते हैं जो हम खा सकते हैं या नहीं। तो आइए अभी बातें करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन्हें हम खाते हैं, जिन चीज़ों को तुम ज़्यादा खाते हो उन पे आपको क्या करना है, एक सर्कल लगाना है, या फिर जो भी नाम लिखे हुए हैं तो आप जिन चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं उस पर क्या करना है आपको सर्कल लगाना है। ओके, तो फर्स्ट देखिए राइस, तो फर्स्ट है यहाँ पे राइस, यहाँ पे है राइस, तो राइस तो आप सब लोग खाते हैं। ओके, उसके पास है फिर बीट, बीट भी हम लोग सब लोग खाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे है भुट्टा, भुट्टा भी जो मक्का बोलते हैं वो भी सब लोग खा सकते हैं। ओके, फिर ओट्स, ओट्स भी खाते हैं, फिर यहाँ पर है कप्पा, टैपियोका, ये भी
खाते हैं, साबूदाना आती है जो फास्ट करते हैं उसको बोलते हैं टैपियोका। फिर यहाँ पर लास्ट में है जौ। यहाँ पे बॉक्स में है जो चीज़ हम ज़्यादा खाते हैं उसको हमें क्या करनी है, बस सर्कल करनी है, और जो नहीं खा सकते पर जिसको खाते हैं उसको ही सर्कल करनी है, ओके। और यहाँ पर है फिर मोस्ट ऑफ आवर फूड इज मेड ऑफ थिंग्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रो इजली एट विच प्लेस डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेस। अब यहाँ पे क्या है, हमारा भोजन ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों से बनता है, अलग अलग जगह पर इनमें से कोई कुछ चीज़ों को अधिक खाया जाता है और कुछ चीज़ों को जहाँ आसानी से पैदा होती है वहाँ पर भी फिर ज़्यादा खाई जाती है। तो आपको इस पार्ट में समझ में आ गया होगा, पार्ट टू यहीं तक है आपका, अब हम पार्ट थ्री में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको यहाँ पर जो भी वर्ड स्टफ लगी हो उसको आप अंडरलाइन कीजिएगा और अपने नोटबुक पे लिखिएगा, ओके। तभी हम थर्ड पार्ट में मिलते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय।